हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि सिंपल रेसिपीज़। आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी के पत्तों के पकोड़े। इसे गुजराती में पापड़ा भी कहते हैं और मराठी में इसे आलू वड़ी कहते हैं। आज मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगी, एक हिमाचली तरीके से और एक कोलकाता के तरीके से। कोलकाता में इसे रिकवच कहते हैं और हिमाचल में इसे पत्रोड़े कहते हैं। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। रिकवच बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अरबी के पत्ते। यहाँ पे मैंने 20-25 अरबी के पत्ते लिए हैं। इन्हें मैंने धोकर सुखा लिया है और अब मैं इसके पीछे ये जो हार्ड स्टेम है इसे अलग कर दूँगी। अगर आप इसे अलग नहीं करेंगे तो पत्ते को फोल्ड करते टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से सारे पत्तों के स्टेम को आप अलग कर लें। यहाँ मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ इस पत्ते को, एक कोलकाता के स्टाइल में और एक हिमाचल के स्टाइल में। सबसे पहले हम कोलकाता के स्टाइल में बनाएंगे। उसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए, बेसन चाहिए और फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। बेसन में मसाले हमें जो जो चाहिए होंगे आइए देख लेते हैं। लहसुन हमें चाहिए 5-7 कलियाँ, हरी मिर्च हमें 4-5 चाहिए और अदरक मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया। इन तीनों को एक साथ मिलाकर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। मसाले के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है, जिसमें से मैं, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ दोनों यूज़ करूँगी, इसलिए 1 टीस्पून अमचूर और 1 नींबू का आधा टुकड़ा यूज़ करूँगी। अब मैंने बेसन को 2 जगह कर दिया है। सबसे पहले मैं कोलकाता स्टाइल में बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने सूखे मसाले इसमें डालने शुरू किए। अमचूर मैं इसमें आधा ही डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे नींबू भी डालना है। अगर इसमें थोड़ी खटास हो तभी ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मिर्च और अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, नमक भी डाल दूंगी और अब इसे हम मिक्स कर देंगे। नींबू हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, नींबू मैं जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा उसके बाद डालूंगी। पानी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करूंगी, एक बार में सारा पानी ना डालें वरना आपके पेस्ट में लम्प्स पड़ जाएंगे। इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाए और अच्छे से मिलाते जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ना हमें मिक्सचर पतला चाहिए और ना ही बिल्कुल सूखा चाहिए, हमें थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर चाहिए। अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। अब हम पत्तों को रैप करना शुरू करेंगे। इसे मिक्स कर दें। ये देखिए, पत्ता मैंने उल्टी साइड से लिया है क्योंकि सीधे साइड में ये मिक्सचर चिपकता नहीं है। और अच्छे से हाथों से ही इस मिक्सचर को पूरे पत्ते पर स्प्रेड कर दें। इस मिक्सचर का एक अच्छा सा लेयर बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक दूसरा पत्ता रखेंगे और जो दूसरा पत्ता रखेंगे हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, जैसे कि इसका ये ऊपर का हिस्सा है वो नीचे की तरफ होगा और नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ, पर पत्ता हम उल्टा ही रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह से हम इस पत्ते को भी कोट करेंगे और ऐसा करके हम 3 या 4 पत्ते और लगा देंगे। टोटल हमें 4 से 5 पत्ते लगाने हैं इस पर और हर पत्तों पे कोटिंग करनी है आपने इस मिक्सचर की। उसके बाद हम इसे रैप करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लगा के, ताकि इसे चिपक जाए अच्छे से। ये देखिए, धीरे धीरे रैप करें। कोलकाता स्टाइल वाला थोड़ा बनाना मुश्किल होता है पर टेस्ट भी इसी का ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, और जो एक्सेस मटेरियल बचा है वो आप हाथ से ऐसे साफ़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर वाले साइड्स पे भी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल करके और इसे सील कर देंगे अंदर की तरफ। आप चाहे तो इसे बस ऐसे ही रैप करके भी स्टीम कर सकते हैं, पर मैं इसे धागे की मदद से बांध दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बांधना है इसे। ये नहीं खुलता है वैसे। ये देखिए, इस तरह का एक धागा ले लें और इसे पूरा ऊपर से नीचे तक रोल कर दें इस तरीके से, फिर इसे ऊपर की तरफ लाकर और इसमें एक गांठ बांध दें, ताकि अगर खुलने का डर भी हो तो वो ना खुले। पर स्टीम होते ही ये जो बेसन है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और ये पत्ते अच्छे से चिपक जाते हैं। ये देखिए, मैंने स्टीमर में रख दिया है इन्हें। स्टीमर को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर ले और पत्तों को थोड़ा दूर दूर रखिए।
अब हम माछली तरीके से इसे बनाएंगे। उसके लिए हमें मसालों में चाहिए होंगी 4-5 हरी मिर्चें और स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। और यहाँ ये जो पत्ते मैंने लिए ये लोकल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं हिमाचल में, इसे हम भापरी के पत्ते कहते हैं। बाहर का तो मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं, पर यहाँ पे ये मिल जाते हैं इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। और इसका मैं पेस्ट बनाकर यूज़ करूँगी। प्याज मैंने यहाँ पे 3 बड़े लिए हैं और उसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। देखिए ये सारा मिक्सचर में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे इसका घोल बनाना शुरू करूँगी। इसे भी जैसे मैंने उल्टा पत्ता रख करके, मैं नहीं कोट कर रही हूँ इसे, मेरी सासू माँ कर रही हैं। मुझे कुछ काम था तो मैंने उनको कहा कि आप ही इसे रैप कर दो। उसी तरह से जैसे हमने कोलकाता स्टाइल वाले में पत्ते पे मिक्सचर कोट किया था, बस फ़र्क इसमें ये है कि इसका रैपिंग का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस पे भी सारे पत्तों को इसी तरह से 3-4 पत्ते लगा दें। उसके बाद इसको पहले लेफ़्ट साइड से फ़ोल्ड करें, पेस्ट लगाएं, फिर राइट साइड से। और अब हम इसे नीचे से रोल करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाएं और दोनों साइड से इसे पकड़ के फ़ोल्ड करें ताकि ये खुल ना जाए। इसे बनाना थोड़ा आसान होता है। ये देखिए ये हो गया आपका तैयार। इसे भी मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। स्टीमर मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दोनों लेयर्स लगा दूंगी। ये देखिए पहले इसको रख दिया और फिर इसे भी रख दिया। अब इसका ढक्कन भी लगा देंगे और फिर इसे 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे, पूरा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 15 से 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर आपको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको देखकर इस तरह से पता नहीं चल रहा है, तो आप एक टूथपिक या एक छुरी की मदद से भी चेक कर सकते हैं। उसे आप इसमें इंसर्ट करें, अगर वो क्लीन बाहर आ जाता है इसका मतलब आपके पत्ते पक चुके हैं। फिर उसके बाद आप इसे निकाल कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। ये मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से 1 घंटे बाद। अब मैं इसका ये धागे जो लगे हुए हैं इसे मैं काट दूँगी, संभाल कर काटे इसे। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सोचा एक बार आपको भी बता दूं कि कैसे इसे बांध कर ज़्यादा सेफ रहता है। ये देखिए इसके धागे मैंने खोल दिए हैं। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इसकी सब्ज़ी का वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये देखिए और कितना कॉम्पैक्ट बना है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसे फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, ना ही बिल्कुल हाई और ना ही बिल्कुल लो, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम्ड है तो इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे क्रिस्पी कर सकते हैं पर हम इसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करते हैं। और आप चाहे तो इसे स्टीम किया हुआ, जो कोलकाता स्टाइल वाला मैंने बनाया है, वो आप स्टीम किया हुआ भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे तवे पे शैलो फ्राई कर लें। मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।